थैंक यू सो मच. आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल जर्नी. बहुत कुछ सीखा इतने सारे इंडियंस के साथ जब मैंने पार्टिसिपेट करा. सब अलग अलग स्टेट्स से थे. दे हैड सो मच टू ऑफर. मुझे लगता था मैं इंडिया को बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर एक्चुअली मैं जब आप लोगों से मिलते हैं जो जिस स्टेट से आ रहा होता है, तब आपको पता लगता है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतनी ब्यूटिफुल चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते होते अपनी कंट्री के बारे में. सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग. प्लस वो इतने विगर के साथ, इतने इंथूजिया एज्म के साथ पार्टिसिपेट कर रही थी. आई थिंक व्हेन यू आर कम्पीटिंग विद वेरी गुड विमेन, देन आप खुद में भी काफ़ी अच्छा ग्रो करते हो. होल एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स विच आई डिडंट नो, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, योर वॉइस एंड एक्सेंट एंड लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स. आई थिंक इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस टू जस्ट विन मिस इंडिया टूरिज्म एंड देन नाउ रिप्रेजेंटिंग इट फॉर मिस वर्ल्ड इज अगेन अ न्यू जर्नी ऑल टुगेदर. जैसे हमें पता है पहले आप एंटरप्रेन्योर थे, फिर अचानक से कैसे आपके दिमाग में थॉट आ गया कि मुझे मिस इंडिया टूरिज्म करना है? वेरी वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली. सो वी हैव क्लिनिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. हमारे ब्यूटी क्लिनिक्स हैं, हमारे ब्यूटी स्कूल्स हैं. तो मैं अपनी मॉम का ही बिजनेस मैंने ज्वाइन करा हुआ था, उसी के लिए मैंने गिनीज बनाया था. फिर राष्ट्रपति भी मुझे उसी के लिए ही मिला था. बट जब मैं बॉम्बे आई, आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर कि हम यहाँ पर कितने खोल सके. यहाँ पर फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर आई थी. मेरे दिमाग में बॉलीवुड नहीं था, मिस इंडिया बिल्कुल नहीं था. बट वेन आई केम हेयर तो मुझे ऑफर्स आने लग गए एंड देन मुझे बोला गया कि जस्ट पार्टिसिपेट इन दैट. सो आई थॉट कि लेट्स जस्ट ट्राई. मतलब देर वॉज नथिंग ऑन माई एजेंडा कि ये पक्का है, जीतना है एंड ऑल ऑफ दैट. बट वेन आई वेंट देयर, देर वॉर सो मेनी नाइस पीपल ट्रेनिंग यू विथ सच नाइस एक्सपीरियंस दैट आई स्टार्टेड ग्रोइंग एज अ पर्सन एंड आई स्टार्टेड लविंग इट. तो मुझे लगा कि येस, आई शुड टेक इट मोर सीरियसली. एंड द होल कॉम्पिटिशन वॉज सो इमेंस एंड सो स्ट्रिंजेंट दैट यू हैव टू ब्रिंग आउट योर बेस्ट टू एक्चुअली विन. तो आई थिंक दैट मतलब उसने मुझे काफ़ी एज अ पर्सन ग्रो किया. एंड जब मैंने जैसे ही मिस इंडिया जीता, मिस इंडिया टूरिज्म, सो बॉलीवुड के ऑफर्स आने लग गए. एंड यू नो इट वॉज़ अ वेरी ऑर्गेनिक जर्नी. इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने प्लान करके रखा था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगी.